सबसे खतरनाक फाइटर टोनी जा की ये 6 फिल्में नहीं देखी तो समझो कुछ भी नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में एक्शन फिल्मों के कई लोग दीवाने हैं। यूं तो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही कई सारे एक्शन हीरो मौजूद हैं, लेकिन सभी में से जो सबसे खास है वो है टोनी जा। बता दे कि टोनी जा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खुद को साबित भी कर चुका है और कई सारे फिल्मों में दूसरे हॉलीवुड हीरो के लिए स्टंट भी कर चुका है और आज पूरी दुनिया उस अभिनेता की दीवानी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टोनी जा की 6 सबसे शानदार एक्शन फिल्में, जिसे देखकर यकीनन आप भी उनके फैन हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं बिरसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है ओंग बाक। टोनी जा की सबसे शानदार एक्शन फिल्मों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है वो है ओंग बाक। बता दे कि इस फिल्म के अब तक के 3 भाग आ चुके हैं और सभी के सभी सुपरहिट रह चुके हैं और इस फिल्म में टोनी जा के स्टंट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है द प्रोटेक्टर और ये फिल्म टोनी की कभी ना भूलने वाली फिल्मों में से एक है। बता दे कि इस फिल्म का असली नाम टॉम योंग गुंग है, लेकिन इसे हॉलीवुड में द प्रोटेक्टर के नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की सफलता को देखते हुए अब तक इसके 2 पार्ट रिलीज किए जा चुके हैं। 3 नंबर पर आता है किल जोन 2। वर्ष 2015 में आई इस फिल्म में एक्शन और स्टंट दोनों की ही भरमार है। टोनी के साथ ही फिल्म में चीन के सुपरस्टार वो जिंग भी नजर आते हैं। 4 नंबर है ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ द जेंडर कैच। ट्रिपल एक्स फिल्म सीरीज शुरू से ही दर्शकों के बीच एक खास जगह बना चुकी है। फिल्म के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों के तीनों सुपरहिट रह चुके हैं। और वर्ष 2017 में आया फिल्म का 3रा भाग सबसे ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि इस पार्ट में आपको टोनी जा द्वारा दिखाया गया बाइक वाला स्टंट बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगने वाला। पांचवें नंबर पर है स्किन ट्रेड और इस फिल्म की पटकथा कमाल की है और फिल्म में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले टॉन के खिलाफ हॉलीवुड स्टार निक कैसिडी को लड़ते हुए दिखाया गया है। फिल्म में टोनी जा एक थाई एजेंट होते हैं जो इस मिशन में निक कैसिडी की मदद करते हैं। और नंबर 6 पर आती है दोस्तों मॉन्स्टर हंटर और इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था और ये फिल्म टोनी जा की सबसे लेटेस्ट मूवी और इस फिल्म के जो CGI इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और आप इसके एक्शन सीक्वेंस के दीवाने हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो इसे एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको टोनी जा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।